दोस्तों, आज की वीडियो बहुत ही इम्पोर्टेंट होने वाली है। जो लोग भी बस चलाना सीखना चाहते हैं उनके लिए आज की वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो बस चलाने के लिए सबसे पहले तो बस के सारे फंक्शन को जानना ज़रूरी है। जो भी बेसिक फंक्शन है वो नॉलेज होना चाहिए, नहीं तो बस नहीं चला पाएंगे। तो आज मैं सबसे पहले बस की जो बेसिक इन्फॉर्मेशन है, बेसिक जानकारी है, वही आपके साथ शेयर करने वाला हूँ। तो नमस्ते दोस्तों, मेरा नाम है विजय पूर्ति, आपका मेरे चैनल पर स्वागत है। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले देखिए, ये है ड्राइविंग सीट और यहाँ से ड्राइविंग सीट एडजस्ट होता है, आगे पीछे यहीं से सेट होता है। तो जब भी ड्राइविंग सीट पर बैठेंगे तो ड्राइविंग सीट में बैठने से पहले सबसे पहले हमको सीट एडजस्ट करना है, क्योंकि जब तक सीट एडजस्ट नहीं करेंगे अपने हाइट के हिसाब से तो हमारा पैर जो है प्रॉपर क्लच पे नहीं जा पाएगा, ब्रेक पे नहीं जा पाएगा, एक्सीलेटर ठीक से नहीं कर पाएंगे। तो इसीलिए सबसे पहले हमको जो है अपना ड्राइविंग सीट एडजस्ट करना ज़रूरी है। उसके बाद यहाँ पर देखेंगे चाबी के लिए है, यहाँ पे चाबी लगती है। उसके बाद यहाँ पे है बैटरी कटअप स्विच, इसको दबाने से बैटरी में लाइन आता है और यहीं से बैटरी का लाइन भी कटता है। और ठीक उसके जस्ट नीचे देखिएगा, ये है हैंड ब्रेक, ये अभी लगा हुआ है, ऊपर कर देंगे तो रिलीज़ हो जाएगा। तो सबसे पहले हम इग्निशन को ऑन करते हैं, इसके लिए सबसे पहले हमें बैटरी का स्विच ऑन करना पड़ेगा। तो यहाँ से बैटरी का स्विच ऑन करेंगे, दबाएंगे। उसके बाद यहाँ से इग्निशन देंगे, चाबी को दो बार घुमाएंगे। दो बार घुमाने के बाद देखिए यहाँ पे मीटर पे लाइट आ गया है, ये हमारा आरपीएम मीटर है, ये हमारा स्पीडोमीटर है, और ये रेड लाइट जो जल रहा है ये हैंड ब्रेक लगा हुआ है, पार्किंग ब्रेक। और ये सी जो लिखा, ई जो लिखा हुआ है, ये डीजल का है, इंडिकेटर है, डीजल इंडिकेट कर रहा है कि कितना तेल है। और सी जो है ये टेम्परेचर मीटर है, इंजन कितना गर्म है इसे पता चलता है। और ये जो है नीचे, उसके नीचे किलोमीटर, और ठीक उसके नीचे यहाँ पे है एयर बार का मीटर। जब भी गाड़ी में बैठेंगे, गाड़ी चलाएंगे, चलाने से पहले यहाँ, गाड़ी बढ़ाने से पहले यहाँ एयर का प्रेशर चेक कर लेंगे कितना है। तो प्रेशर, एयर प्रेशर बार 8 तक होना चाहिए हमेशा। और ये गियर है, गियर लीवर है, यहाँ से इधर को लेफ्ट लेफ्ट करेंगे, लेफ्ट करके आगे ठेलेंगे तो एक गियर लग गया। ठीक उसके नीचे सीधा लेकर आएंगे तो ये हमारा दो गियर लग गया। फिर हल्का से न्यूट्रल करके फिर सीधा ठेलेंगे तो तीन गियर लग गया। ठीक उसके नीचे लाएंगे सीधा तो ये हमारा चार गियर लग गया। फिर हल्का से न्यूट्रल करके दाहिने करके ठेलेंगे तो पांच गियर लग गया। ठीक उसके नीचे छह गियर लग गया। इस प्रकार से सारे गियर लगते हैं। ये छह गियर की गाड़ी है और एक रिवर्स है, तो कुल मिला के सात गियर की गाड़ी है ये। तो चलिए अभी हम गाड़ी स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने के लिए देखिए यहाँ पर इग्निशन है, इग्निशन को एक बार घुमाएंगे। ये देखिए गाड़ी स्टार्ट हो चुकी है।
मेरा वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिएगा, और भी सारी इन्फॉर्मेशन जानकारियाँ चाहिए तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। मैं इसी तरह के वीडियो बनाकर आपके सामने लाता रहूँगा, और बस से रिलेटेड टिप्स उप सारी चीज़ें मैं आपको बताऊँगा। तो कृपया करके मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। तब तक के लिए बाय।